मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। बहुजन समाज पार्टी से मेरठ शहर विधानसभा क्षेत्र के लिए आज दिलशाद शौकत ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। विकास, महंगाई, बिजली के बिलों में अप्रत्याशित वृद्धि आदि मुद्दों को लेकर वह चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने यह तो कहा कि मेरठ में ईमानदार अफसर हैं, जनता का काम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे योगी सरकार है यह मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। नामांकन के बाद मीडिया के सवालों से इस तरह जूझते नजर आए शहर विधानसभा क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी दिलशाद शौकत। मेरठ शहर विधानसभा के बसपा प्रत्याशी दिलशाद शौकत। क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सबसे पहले जो मेरा मुद्दा रहेगा वो महंगाई का मुद्दा रहेगा। महंगाई उसमें चाहे घर के गैस से लेके और आप तमाम जरूरतें जो जरूरत पे उस पर महंगाई बढ़ी है, उसके सबसे पहले जो है विधायक बनने के बाद उसका प्रयास करूँगा कि जिस रेट से चल के वो ऊपर बढ़ी है वो वापस वहीं आए। मेरे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। देखिए नाम तो राजनीतिक आदमी जो है वो उछालते रहते हैं, वो सब दे चुका हूँ। मेरी फाइट किसी से नहीं है, अपना पैसे फाइट है मेरी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे जिसे जो आप चुनाव में? देखिए मुद्दा सबसे पहले विकास का मुद्दा होगा मेरा, उसके बाद कारोबार का मुद्दा होगा कि लोगों की जो स्थिति अर्श से उठ के और फर्श पे गिर पड़े लोग, सबसे पहले जो है इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह जो है ये कारखाने हुए, इंडस्ट्रियल एरिया हुए, इन पे ध्यान दिया जाएगा कि ये हमारे क्षेत्र में बढ़ें, हमारी विधानसभा में ये इंडस्ट्रियल लगें। जैसे स्पोर्ट हुआ, कैंची का हुआ और बहुत सारी जो है वो है। मेरी फाइट अपना पे खेई है, मेरी फाइट किसी से नहीं है। ऊपर वाले ने चाहा तो मैं विधायक बनने के बाद में आपके बीच में आऊँगा और आप खुद कहेंगे कि विधायक जी जो है उनकी फाइट किसी से नहीं रही। देखिए जीत के आंकड़े जो हैं 160,000 इस सीट पे जो है मुस्लिम वोट है और मुझे जो है हिंदू मुस्लिम दोनों ही वोट मिल रही हैं। क्या मुस्लिम वोट के सहारे? मुस्लिम वोट के सहारे ये है कि व्यवहार पे वोट मिलती है, काम पे वोट मिलती है। जिस समय में पिछली योजना में पार्षद रहा था तो उस समय जो है मैं 67 करोड़ रुपए अपने वार्ड में लेके आया था इंदिरा गांधी आवास योजना के। और देखिए मैंने काम किया है, मैं सुबह 9 बजे उठने के बाद रात को 3 बजे तक लोगों का काम करता हूँ, तो मुझे लोगों से उम्मीद है कि मुझे एक तरफा मेरा चुनाव जो है वो जीता हुआ। आप देख रहे हैं क्या किया है, लोगों के पास आप जा रहे हैं, पता कर रहे हैं कि क्या काम किया है और मेरी भी जानकारी आप बड़े भाइयों ने की होगी कि मैं कितना काम करता हूं और लोगों के लिए। आपके साथ में एक विवाद भी जुड़ा हुआ है जो हाल फिलहाल में हत्याकांड हुआ था, उसमें क्या कहना है उसका? ये राजनीतिक मुद्दा है और राजनीति उभारने के लिए राजनीतिक लोग जो उन्हें उभारते रहे, क्योंकि उन्हें डर ये था कि आने वाली विधानसभा में मैं विधायक के रूप में चुनाव हुआ, मुझे देखना नहीं चाहते थे। ये मुखालफत निकालने के लिए मेरे पे आरोप लगाना चाहते थे और हमारे अधिकारी जो है वो इतने ईमानदार और इतने अच्छे अधिकारी हैं कि वो निष्पक्ष जांच की है जो उसमें दोष सिद्ध हुआ, जिस पे वो दोष सिद्ध हो चुका। अपना चुनाव किससे मानते हैं, सपा गठबंधन से या भाजपा से? मेरा चुनाव किसी से भी नहीं है, अकेला ही चुनाव है मेरा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते हैं फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।